सबसे पहले आपको बताते हैं, देहरादून से आती है बड़ी खबर, जहां पर सख्त भू कानून को लेकर भू कानून संघर्ष समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस ने गेट ताला लगा दिया है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शहीद स्थल का गेट खोलने की मांग की जा रही है। हालांकि गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाया जाए, जिससे बाहरी लोगों के यहां पर जमीन खरीदने के रास्ते पर पाबंदी लग सके। प्रदर्शन में सब लोग चौक पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक दूल्हा भी समर्थन देने के लिए पहुंचा हुआ है। बाद में पता लगा कि ये दूल्हा नहीं था, बल्कि सेना से रिटायर्ड सूबेदार सुरेश पयाल थे, जो कि सख्त भू कानून की मांग को लेकर समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। सरकार को हम साफ संदेश देना चाहते हैं, इस राज्य में जिस तरह की लूट जमीनों की मची हुई है, जो कानून आपने बनाए उसमें जो आपने संशोधन किए हैं उनको सबसे पहले आप रद्द कीजिए, जिसको लेकर हम आज यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट आप लाने जा रहे हैं, जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, उसको पहले जनता के बीच सार्वजनिक कीजिए। देखिए, हमारी डिमांड बिल्कुल साफ है, यहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, जिसमें मूल निवास का प्रश्न आता है, और हमारी जमीनें पूरी तरीके से सुरक्षित होने चाहिए, जहां पर एक सशक्त भू कानून का प्रश्न आता है। हमने सरकार से सीधी डिमांड करी है कि जो संशोधन 2018 के बाद जमीनों के कानून में धारा 143 में करे गए हैं, जो है 154 में करे गए हैं, वो तुरंत प्रभाव से सरकार को रद्द करने चाहिए। कुनाओ गांव सुरेश पयाल यमकेश्वर से यहाँ पर दूल्हे के भेष में यहाँ पर पहुंचे हैं आंदोलन को अपने समर्थन देने के लिए। पयाल जी, आप इस भेषभूषा में पहुंचे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या संदेश आप? इसका संदेश यह है कि उत्तराखंड की प्रकृति संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए हमें अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम छोड़ने होंगे और समय निकालना होगा, नहीं तो समय हमको एक दिन निकाल देगा। तो उसी क्रम में हम जहाँ जहाँ भी भूख हड़ताल हुई है, जहाँ जहाँ भी आंदोलन हुए हैं अपनी प्रकृति संस्कृति और परंपराओं की रक्षा हेतु, हम उपस्थित हुए हैं। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली है। जसपुर में बेकाबू गाड़ी पलटने से हादसा हो गया है, जिसमें कार सवार 3 लड़कों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ा हादसा है जिसमें 3 लोगों की जान गई है बेकाबू गाड़ी पलटने से। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है, जसपुर के पास देर रात जो हादसा हुआ, हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून की मसूरी रोड पर देर रात हादसा हुआ है, जहां पर 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में कार में बैठे पति पत्नी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार हादसे की वजह रही है और हादसे में एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ी में कुछ नहीं बचा है, इतनी बुरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, दूर दूर तक गाड़ी के टुकड़े पहुंचे हुए हैं। राजपुर के मालसी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ऋषिकेश के नटराज चौक में रविवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे की जांच शुरू हो गई है। पुलिस और पीडब्ल्यू के साथ मिलकर परिवहन विभाग जांच कर रहा है। जांच में देहरादून से आए आरटीओ ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मुआयना किया है, मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा गया है और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की गई है। घटना क्यों और कैसे हुई है, इस संबंध में अभी तफ्तीश की जा रही है। अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। और ये बढ़ते हैं आगे, देहरादून की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आयोग ने कैंडिडेटों को बड़ी राहत देते हुए चुनावी खर्चे की सीमा को 50% बढ़ा दिया है। मेयर कैंडिडेट के लिए 20 से 30 लाख की लिमिट रखी गई है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए
6 से 8 लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 लाख सीमा रखी गई है। वहीं नगर निगम सभासद के लिए 3 लाख और नगर पालिका सभासद के लिए 80,000 लिमिट रखी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस पर आपको बताएंगे, कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपने प्रभारी बना दिए हैं और 13 निकाय जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें 13 जिलों के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। 30 नवंबर तक सभी जिलों की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को सौंपेंगे। तो 30 नवंबर तक देखिए करण महारा को रिपोर्ट सौंपनी है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। अब दोनों ही पार्टियां जो है वो निकाय चुनाव में जोर आजमाइश के लिए अपने काम पर लग चुकी हैं और हर पार्टी के अपने दावे जीत के और काम के। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव की बाजी आखिर कौन सी पार्टी मारती है, बीजेपी या कांग्रेस। केदारनाथ की बंपर जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में हैं और ये जोश अब सीधे निकाय चुनाव में निकालने की तैयारी है। देखिए हालात ऐसे हैं कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेसब्री भी छलकने लगी है और वो जल्द से जल्द निकाय चुनाव चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के शहरी कार्यकर्ता पिछले एक साल से नगर निगम, पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव के इंतजार में हैं। लेकिन केदारनाथ के साथ यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र की बंपर जीत से इनका आत्मविश्वास अब चरम पर है और इसलिए ये अपनी पार्टी की सरकार को जल्द चुनाव कराने का सुझाव भी दे रहे हैं। पार्षद से लेकर मेयर तक के दावेदार खुलकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और केदारनाथ की जीत और उत्तर प्रदेश की जीत और महाराष्ट्र की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह से भरपूर हैं और मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का वर्चस्व बड़ा है, कद बड़ा है और पूरे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करा देनी चाहिए। देखिए मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। लगभग जितनी भी मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आयु है सदैव तत्परता से कार्य किया है और अभी भी मुझ में जोश है, वही उमंग है जो पूर्व में थी और मैंने पार्टी से मेयर की दावेदारी की है और अंतोगत्वा पार्टी का निर्णय सर्वमान्य और सिरोदरी है। यही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारियों से मिलकर भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और संगठन भी उन्हें जल्द चुनाव होने का आश्वासन देकर चुनावी तैयारी में जुटने की नसीहत दे रहा है। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता में उत्साह है और हम लोग चाह रहे हैं कि शीघ्रता शीघ्र चुनाव, इस जो निकाय चुनाव रुके हुए थे वो शीघ्रता शीघ्र हों और लगातार हमारे कार्यकर्ता हमसे संपर्क कर रहे हैं। विभिन्न जो पार्षदों में हैं, अपने निकायों के जो दावेदार हैं वे भी लगातार संपर्क में हैं और इसमें हम लोग भी अपने जो हमारी बैठकें हैं उनका क्रम भी लगातार प्रारंभ हो चुका है, हमारी तैयारियां भी हो रही हैं और लोग भी चाह रहे हैं शीघ्रता से निकाय के चुनाव संपन्न। जाहिर है जीत का जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में भर चुका है जिसे वो निकाय चुनाव में दिखाने को बेताब है। ऐसे में बीजेपी संगठन में भी मंडल स्तर की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है ताकि निकाय जीत कर 2027 का फाइनल जीता जा सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से अगली खबर, जहां बीजेपी संगठन के चुनाव फिलहाल अटक गए हैं। दरअसल दिसंबर में राज्य में निकाय चुनाव प्रस्तावित है और इसीलिए बीजेपी पूरा फोकस निकाय चुनाव पर करना चाहती है। फिलहाल संगठन के चुनाव टाले गए हैं। निकाय चुनाव पर प्रदेश बीजेपी संगठन के चुनाव होंगे, इसके बाद निकाय चुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव दिसंबर माह में प्रस्तावित है। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के आधार पर हम पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में लग रहे हैं और उसके बाद संगठन के चुनाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं के सभी 6 जिलों में जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच जारी है। शुरुआती जांच में 250 से ज्यादा बड़े मामले सामने आए हैं जबकि छोटी खरीद फरोख्त के मामले
ज्यादा होने के कारण इनकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस जांच के दौरान धर्म के नाम पर बड़ा खेल सामने आया। बिल्डर्स ने धार्मिक कार्यों और ट्रस्टों के नाम पर खरीदी हुई जमीन इन्हें प्लॉटिंग करके बेच डाला। जांच अधिकारी ऐसे मामले देखकर खुद हैरान है। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का और हिजाब पहनने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, कुछ संतों ने इसे शिक्षा जिहाद तक बता दिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। संतों का कहना है कि उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय देवभूमि की संस्कृति और सनातन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अगर दूसरे समुदाय के लोग यहाँ सनातन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो जम्मू कश्मीर जैसा मामला नज़र न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार चूँकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है, तो हम मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा जिहाद को बंद किया जाए। हॉस्पिटल मेडिकलों में चेंजिंग रूम की जरूरत होती है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं की जाती। चेंजिंग रूम के नाम पर जिहादियों का अड्डा केंद्र बनाया गया है, ये वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। संतों के आरोपों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिरे से नकार दिया है। कुलपति का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइन के तहत महिलाओं के लिए कॉमन रूम दिए जाने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही एक कॉमन रूम की व्यवस्था की गई है। इसको चेंजिंग रूम कहा जाना गलत है, बल्कि बाहर से आने वाली छात्रों के कपड़े चेंज करने और क्लास के लिए तैयार होने के लिए है। तो वो जो बाहर से बच्चियां आ रही हैं जो बुर्का पहन करके, वो उस कक्ष में जाती हैं और अपना विश्राम करते हुए उनको परिवर्तित करते हुए फिर कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुरूप जो भी वेशभूषा है उसमें वो अपनी कक्षाओं में जाती हैं। जो ये और ये जो आरोप लगाया है कुछ संतों ने, ये निराधार है, मैं इसका खंडन करता हूँ। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हलचल मच गई। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जिस चेंजिंग रूम की बात कही जा रही है उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से, यूनिवर्सिटी के कुलपति की ओर से बताया गया कि गाइडलाइन के मुताबिक सभी फीमेल छात्राओं के लिए चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, एक कॉमन रूम बनाया जाना जरूरी है और ये वही बालिका सामूहिक कक्ष यानी कि कॉमन रूम है। और इस कॉमन रूम को लेकर ही जो है साधु संतों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि यहाँ पर जो है हिजाब को बढ़ावा देने के लिए या अन्य जो सामुदायिक सांप्रदायिक जो वस्त्र हैं उनको धारण करने के लिए एक चेंजिंग रूम यहाँ पर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के चेंजिंग रूम की यहाँ पर पूरी तरह से उसका खंडन किया गया है। न्यूज 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। खबर रुड़की से है जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें एक लड़का फायरिंग करता हुआ आपको नजर भी आएगा। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इस घटनाक्रम में एक बच्चे की जान चली गई है। हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किराने की दुकान के ऊपर बने गोदाम में छोटा सिलेंडर फट जाने से अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग लगने से जनहानि नहीं हुई है, हालांकि हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। रामनगर में कॉबेट के ढेला से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाघ हिरण का शिकार करके लेकर जाता हुआ आप देख सकते हैं।
वीडियो सोमवार सुबह का बताया जा रहा है। ये वीडियो ढेला से लालडांग के रास्ते का है। इसमें बाघ हिरण का शिकार करके रोड के एक ओर से दूसरी ओर उसको घसीट कर ले जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। देहरादून वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। देहरादून जू में अब आपको गुलदार के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलेंगे। जी हां, इतना ही नहीं, देहरादून जू का जंगल वाला एक बड़ा इलाका भी अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। मसूरी देहरादून रोड पर मालसी में देहरादून जू एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। साल भर में 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर अभी तक सांप से लेकर गुलदार तक 45 प्रजाति के जीव रखे गए हैं, लेकिन अब यहाँ 2 रॉयल बंगाल टाइगर भी टूरिस्ट के लिए बाड़े में रिलीज कर दिए गए हैं। देहरादून और आसपास के, क्योंकि हमारा राज्य एक टूरिज्म स्टेट है, देश दुनिया के लाखों यात्री यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अब इस जू के माध्यम से वो लाभान्वित भी होंगे टाइगर के दर्शन करने में, क्योंकि आप देखते हैं एक टाइगर को देखने के लिए हजारों लोग सेंचुरीज में जा करके, जैसे हमारे कार्बेट पार्क में जा करके कई लोगों को निराशा लगती है, तो यहाँ आकर के एक उनको टाइगर का दर्शन होने का अवसर मिलेगा और इससे निश्चित रूप से इसको एक और एक्सपोजर मिला है हमारे जू का, और भविष्य में हम यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर लाने का प्लान कर रहे हैं। देहरादून जू प्रशासन का कहना है कि जू में बाघ देखने के साथ ही बाघ के बारे में QR कोड से डिटेल जानकारी भी टूरिस्ट को उपलब्ध कराई जाएगी। जू प्रशासन आने वाले समय में हिमालयन भालू, हायना और व्हाइट टाइगर भी लाने की योजना बना रहे हैं। व्हाइट टाइगर के लिए उड़ीसा सरकार से बातचीत जारी है। सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा ना कि टाइगर के बारे में हमने बहुत गलतफहमियां रखते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का ही आगमन होता है, तो हम चाहते हैं कि बाघ के बारे में संपूर्ण जानकारी इनको मिले, ताकि जो सहावस्थान की बात हो रहा है ना, ये बातें को आगे बढ़ाया जा सके। वन्य जंतु एक प्रकार के संरचना है भगवान की, कि अगर उनको कोई छड़ा छड़ा नाश किया जाए तो फिर वो हमारे ऊपर कोई भी विपदा नहीं करते। इतना ही नहीं, देहरादून जू से एक और अच्छी खबर आ रही है। देहरादून जू 25 हेक्टेयर में फैला है, लेकिन टूरिस्ट के लिए अभी तक 5 हेक्टेयर एरिया ही ओपन रहता था, लेकिन अब जू से लगा जंगल का बड़ा एरिया भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें टाइगर बाड़ा बनाया गया है। यहाँ आपको टाइगर तारों के अंदर से नहीं बल्कि शीशे के दरवाजे से बिल्कुल सामने नजर आएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून बीजेपी ऑफिस में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संविधान के बारे में चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कुठारी का कहना है कि जिस तरह से संविधान में आम नागरिकों के अधिकार लिखे गए हैं, उसको आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर विचार मंथन किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है कि आजादी के 75 वर्ष बाद जिस संविधान के सहारे भारत आगे बढ़ा, आज भारत के ने पूरे विश्व के समक्ष अपनी नई पहचान बनाई है और हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो ये हमारे संविधान के कारण ही मजबूत हुआ है। यहाँ के गरीब पिछड़े सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका हमारे संविधान ने दिया है। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो सर्वश्रेष्ठ है भारत का संविधान बना। और आज मुझे ये भी कहने में गर्व होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद हुआ। ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने और जाम से बचने के लिए शहरों के बाहर बाईपास बनाए जाते हैं, लेकिन जब बाईपास मार्ग का इस्तेमाल ट्रैफिक की बजाय गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जा रहा हो, ऋषिकेश में नटराज चौक से श्यामपुर तक हरिद्वार मार्ग को जोड़ने वाला बाईपास रोड पर गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं, जो लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। गाड़ियों की पार्किंग के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हर बाईपास और इसके बीच में पड़ने वाले चौराहे पर पार्किंग हादसों का बड़ा कारण बनती है। बीते दिनों हुए भीषण हादसे का भी सबसे बड़ा कारण यही निकल कर सामने आया। कृष्णा
क्रिसमस और नए साल के जश्न के उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर्यटकों की पहली पसंद रही है। ऐसे में सरोवर नगरी में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सबके बीच में कारोबारियों को एक चिंता भी सता रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिसमस और नए साल के लिए नैनीताल समेत सभी हिल स्टेशन तैयारियों में जुट गए हैं। क्रिसमस केक सेरेमनी के साथ जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, तो होटलों में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल कारोबारियों ने खास पैकेज सैलानियों के लिए तैयार किए हैं, जिसमें पहाड़ी फूड से लेकर कुमाऊनी संगीत का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ जश्न और बेहतर हो सके, इसके लिए होटल एसोसिएशन ने माल रोड को भी सजाने के साथ लाइट साउंड शो पर भी फोकस किया है। हालांकि इसके बाद भी कारोबारियों में चिंता बन रही है। होटल एसोसिएशन की पूरी तैयारी है, नैनीताल को सजाने की पूरी तैयारी है और बुकिंग्स की इंक्वायरीज भी बहुत अच्छी हैं। बस रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पुलिस और प्रशासन से कि अननेसेसरी टूरिस्ट को परेशान न किया जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत मैसेज नैनीताल में नहीं आने के ना डाले जाएँ। उससे कारोबार पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, लोगों की आजीविका है, पूरा कुमाऊं जुड़ा हुआ है नैनीताल के कारोबार से। 20 दिसंबर के बाद पहाड़ों में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो जाता है और क्रिसमस और 31 तक भीड़ यहां रहती है। इन सब के लिए इंतजाम भी प्रशासन के लिए चुनौती रहती है। वहीं पुलिस ने भी रामनगर, नैनीताल, भीमताल के साथ पंगूट मुक्तेश्वर के लिए ट्रैफिक प्लान की तैयारी कर ली है। नैनीताल में जाम दिक्कत ना दे, इसके लिए रूसी बाईपास और नारायण नगर में भी इंतजाम पूरे करने को कहा गया है। ट्रैफिक का प्लान जारी होता है, उसके लिए हमने हमारे एसपी ट्रैफिक को नोडल बना रखा है और वो जितने भी हमारे बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ मिल के और इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करने के बाद में सबकी सहमति से एक ट्रैफिक प्लान हम जारी करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो व्यापारी वर्ग उनके लिए भी और पर्यटन जो पर्यटक उनके साथ साथ आम जनता के लिए भी इसमें सुविधाएं रहे। क्रिसमस और नए साल के लिए सरोवर नगरी में भारी भीड़ उमड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई पर्यटकों को मायूस ही वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है ट्रैफिक को लेकर पक्के प्लान की, ताकि पर्यटक परेशान न हो। नैनीताल से न्यूज 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। खबर चमोली से, जहां पर गोपेश्वर के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में हो रहे कामों का डीएम ने जायजा लिया है। डीएम ने हल्द्वानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ट्रीटमेंट कामों के बारे में रिपोर्ट ली है। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है, अब वॉल का काम किया जा रहा है। तो कंपनी का कार्य थोड़ा विलंब से चल रहा है, सितंबर इनका बॉन्ड कंप्लीशन डेट था, तो उसमें मॉनसून का हवाला दिया गया है और इनको टाइम एक्सटेंशन मिला है दिसंबर तक। तो यहाँ माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब बेबी वॉल का काम चल रही है।